आप सभी को कैसा लगेगा जब ऑनलाइन खरीदारी की गई सामान की पेमेंट सेटलमेंट सामान मिल जाने पे हो, आपकी पेमेंट उसी समय हो जब उसकी जरूरत हो और कोई भी पेमेंट पैसा रहने के बाद भी फेल ना हो सके। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम BBPS से दो कंज्यूमर कंसेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए अपडेट की घोषणा की है। यह घोषणा MPC के मीटिंग के बाद शक्तिकांता दास के द्वारा 8th of February 2023 को की गई। विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के सेशन का डेट 10th of February 2023 है। तो अगर आपने चैनल को सरस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। RBI ने बुधवार को कहा है कि UPI में अब सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फीचर होगी और भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS में अब रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पेमेंट की एक विस्तृत विशेषता शामिल होगी। तो मतलब यह हुआ कि RBI के द्वारा नए कदमों को UPI के फीचरों में जोड़ी जा रही है। प्रभावी रूप से अब आप हर महीने की शुरुआत में UPI के माध्यम से अपने पेमेंट सेटलमेंट के लिए अपने धन को ब्लॉक करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही BBPS आपको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पेमेंट के साथ अधिक प्रकार के भुगतान करने की अनुमति देगी। RBI ने UPI की सक्षमताओं को बढ़ाया है ताकि ग्राहक विशेष उद्देश्य के लिए अपने बैंक खातों में धनराशि को ब्लॉक करके एक मर्चेंट के लिए तैयार कर सके जिसे जरूरत के अनुसार डेबिट किया जा सके। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। आपने Flipkart से 1000 की खरीदारी ऑनलाइन की है, 7 दिन के बाद आपका सामान आपके पास आया, उससे पहले ही आपने अपने सामान के लिए सामान के दाम को UPI के द्वारा ब्लॉक कर रखी थी। सामान मिलते ही आपका ब्लॉक किया हुआ 1000 रुपया Flipkart के खाते में ट्रांसफर हो गया। अगर आपके द्वारा बुक किया हुआ सामान आपको मिला नहीं तो आपको ऑर्डर कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेमेंट किए हुए 1000 रुपीज को आपके अकाउंट में आने का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब्लॉक किए हुए पैसे को अनब्लॉक कर सकेंगे और इससे आप परेशानियों से बच सकेंगे। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि UPI में सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट के फीचर की शुरुआत की जाए। ई कॉमर्स स्पेस में पेमेंट्स के और सिक्योरिटीज में निवेश करने में आसानी को बढ़ावा दे सके। RBI के अनुसार यह होटल बुकिंग, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के अलावा RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन और अन्य का उपयोग करके सरकारी सिक्योरिटीज की खरीदारी के लिए सहायक हो सके। वही BBPS के दायरे के बारे में RBI ने कहा कि यह लेन देन में उच्च स्तर के विश्वास का निर्माण करने में मदद करेगी क्योंकि व्यापारियों को समय पर भुगतान का आश्वासन दिया जाएगा जबकि सामान या सेवाओं की वास्तविक डिलीवरी तक ग्राहक के बैंक खाते में धन बनी रहेगी। RBI के मुताबिक हर महीने 70 लाख से ज्यादा ऑटो मैंडेट हैंडल की जाती है और आधे से ज्यादा IPO UPI के ब्लॉक फीचर का इस्तेमाल कर प्रोसेस की जाती है। वहीं UPI में पहले से ही रेकरिंग लेन देन की सुविधा है लेकिन यह सुविधा अभी सिंगल ब्लॉक सिंगल डेबिट के रूप में इस्तेमाल में जिसे अब RBI के द्वारा सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में BBPS के द्वारा नॉन रेकरिंग पेमेंट और कलेक्शन का समर्थन नहीं किया जाता है, भले ही वो रेकरिंग पेमेंट ही क्यों ना हो। RBI ने अब BBPS के दायरे का विस्तार करने का फैसला किया है ताकि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों प्रकार के भुगतान को शामिल की जा सके। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। RBI के अनुसार नई सुविधाएं प्लेटफॉर्म को व्यक्तियों और व्यवसायों के व्यापक समूह के लिए सुलभ बनाएगी जो पारदर्शिता और समान भुगतान अनुभव, धन की तेज पहुंच और बेहतर दक्षता से लाभ उठा सकते हैं। तो बातें बढ़ी और इतिहास न हो तो वीडियो अच्छी नहीं लगती। BBPS 2017 में लॉन्च की गई थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के द्वारा संचालित की जाती है। इसके द्वारा उपभोक्ताओं और व्यवसायियों की विभिन्न बिल भुगतान की जरूरतों को पूरा की जाती है। RBI के द्वारा इसके दायरे को बढ़ाने की प्रयास की जा रही है। तो सेवा की समाप्ति और सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू। थैंक्स।